पूजा के मालूम हुआ कि हमने 30 रमजान फर्ज है मुसलमानों के ऊपर, 5 फर्ज बताया जाए जिसमें रमजान का रोजा है, नमाज, रोजा और जकात, हज और कलमा तौहीद मिलाया जाएगा। खजूर बांटा गया किस उद्देश्य से बांटा गया है? यह जो खजूर बांटा गया है यह आगामी रमजान को देखते हुए बांटा गया है, क्योंकि बताया जाता है कि रोजा खजूर के साथ खोलना वो सुन्नत है, इसलिए रमजान महीने को देखते हुए जो रोजेदार थे, जो गरीब थे, जो कमजोर वर्ग के थे, उनको रोजा अवतार के लिए खजूर बांटी गई है। और यह सिलसिला जो है करीब करीब हर साल चलता है। ये रोजा आने से 1-8 दिन पहले लोगों में खजूर तकसीम किया जाता है ताकि वह लोग अपना अवतार खजूर से करें और जिससे उनकी एक सुन्नत की भी अदायगी होती चले। लगभग कितने लोगों को आपने खजूर बांटा? हमने जो है आज लगभग 50-60 लोगों को खजूर बांटा है। बाकी जो है खजूर हम अभी मस्जिदों को पहुंचाएंगे जहां पर मुसाफिर या सामूहिक तौर से लोग आके मस्जिदों में रोजा अफ्तार करते हैं, तो हम बहुत सारी मस्जिदों में जा करके वहां पहुंचाएंगे ताकि लोग जहाँ पर खजूर मुहैया न हो वहाँ पर खजूर पहुँच जाए और लोग अपना अवतार खजूर के साथ कर सके। धन्यवाद। यह जो सामान आज बांटा जा रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या है? मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष विश्व शांति मिशन एवं संयोजक भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन। कल से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और रमज़ान के पाक महीने में रोजेदारों को खजूर आदि इस उद्देश्य से बांटा जाता है कि वह उसी से अफ्तारी करेंगे। इस उद्देश्य से रोज़ा रखने वाले यतीमों को, गरीबों को हम लोग खजूर और उसके साथ अफ्तारी करने के लिए सामान बांट रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से विश्व शांति मिशन के समन्वयक अताउल्लाह शाही जी की भूमिका है और इन्हीं के सहयोग से आज गरीबों में हम लोग रमजान में रोजा खोलने के लिए खजूर आदि बांट रहे हैं। धन्यवाद।